सर, व्हाट इज डेटा साइंस? ओके, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज डेटा साइंस इन सिंपल वर्ड्स. सो हियर इज द डायग्राम ऑफ डेटा साइंस. तो हम इस डायग्राम को अभी हम एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ. तो इसके अंदर डेटा साइंस, आप जब भी वर्ड सुनते हैं ना, उसमें आप एक वर्ड हमेशा सुनते हैं, वो है AI. तो व्हाट इज AI? तो हमने यहाँ पर स्प्लिट कर दिया है AI को. AI के अंदर हमारा सबसे पहला कंपोनेंट आता है, वो है मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग क्या है? जैसे कि अल्गोरिदम्स, जो कि रिकमेंडेशन सिस्टम. आप YouTube यूज़ करते हो, YouTube के अंदर आपको जो रिकमेंडेड कंटेंट आपको दिखता है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी जो यूज़ की गई है वो है ML. ML के बाद हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है, वो है डीप लर्निंग. डीप लर्निंग के अंदर हमारे को क्या करना है? हमारे को काम करना है न्यूरल नेटवर्क्स पर. जैसे हमारे न्यूरॉन्स काम करते हैं, वैसे हमारे को यहाँ पर काम करना है न्यूरॉन्स पर. जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर मुझको खुद को टच करता हूँ तो मुझको सेंस हो रहा है कि हाँ, मैंने यहाँ पर टच किया है. पर मुझको यहाँ पर सेंस होगा क्या? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर टच किया है तो इसलिए मुझको ये सेंस होगा. तो सिमिलर काम हमारे को करना है डीप लर्निंग के अंदर. अब डीप लर्निंग के अंदर भी हमारे दो कॉन्सेप्ट है, वो है कंप्यूटर विजन और NLP. कंप्यूटर विजन मतलब हमारे को विजन देना है कंप्यूटर को. जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे कैमरा से हम कुछ डेटा लेते हैं, उसके ऊपर हमें कुछ काम करना होता है. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, सिग्नल से हमें उनको फाइन भेजना है, तो वहां पर जो कंप्यूटर विजन का मॉडल लगाया हुआ रहता है, तो ये उसका हो गया रियल टाइम एग्जांपल. नेक्स्ट है हमारा NLP. NLP मींस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, जिसके अंदर हमें कम्युनिकेट करना है कंप्यूटर के साथ, अदरवाइज AI डिवाइसेस के साथ. जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं Alexa. अगर हम बोलते हैं कि हेलो Alexa, तो वो हमारी बात सुनती है. पर क्यों सुनती है? उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो है NLP. दिस इज सिंपल डेटा साइंस. थैंक यू.